ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में शूलनी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या धूमधाम के साथ मनाएगी। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक अनु शर्मा और युवाओं के दिलों की धड़कन हंसराज रघुवंशी ने दिलकश प्रस्तुतियों से मन मोह लिया। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में शूलनी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के सुप्रसिद्ध गायक अनु शर्मा और युवाओं के दिलों की धड़कन हंसराज रघुवंशी ने अपनी दिलकश प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया और सभी को नाचने पर मजबूर भी किया। इस मौके पर वीरेंद्र कंवर ने शूलनी मेले पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के सबसे गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गांवों में शिल्पकारी खत्म हो रही है, उसे फिर से संजोने के लिए हिमाचल सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है ताकि हिमाचल का कामगार हिमाचल में रहे और गांव का पैसा गांव में रहे, जिससे स्किल भी बढ़ेगा और उसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में भी विशेष प्रावधान किया है। गांव का जो गरीब व्यक्ति है, गरीब जो यानी अंतिम व्यक्ति है, हम उस तक जो है वो विकास को ले जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पूरी दुनिया के अंदर हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ पढ़ा लिखा राज्य भी बनता जा रहा है, लेकिन यहां पर जो गांव के अंदर जो आज कमी आ रही है कि जो यहां के शिल्पी थे, जो यहां के कारीगर थे, वो धीरे धीरे जो है वो इस प्रोफेशन से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। हम आने वाले समय में इस कारीगरी को जो है वो संजो के रखना चाहते हैं कि हिमाचल का जो कारीगर है वो हिमाचल में काम करे, और इस नीयत के साथ कि गांव का पैसा गांव में रहे, इसके लिए हम बढ़िया शिल्पकार और बढ़िया जो यहां पर स्किल जो हमारा कामगार है वो बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा है कि हम ऐसी योजना जो है वो आने वाले समय में ला